अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेखर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक वाइन शॉप है, श्री लक्ष्मी वाइन शॉप। इसका कैशर रुपये लेकर, जिसका नाम नवीन है, वो रुपये लेकर जा रहा था। एक एक्टिवा गाड़ी पर दो नामालूम नौजवान इसके हाथ से वो कैश छीन लेते हैं। लेकिन जब ये आवाज़ लगाता है तो कुछ लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, लेकिन एक्टिवा छोड़कर 6 लाख रुपए लेकर फरार होने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस पे तला जीत जाती है। पुलिस सीसी कैमरों के ज़रिए इन लोगों की तलाश शुरू कर दी है। आज कोई भी सिटीज़न, कोई भी जो आदमी होता है, कारोबारी आदमी होता है, ऐसा लगता है कि वो महफूज नहीं है। जिस तरह से हमारे हैदराबाद की पुलिस का काम हो गया है, जो मजलूमों को डराना, धमकाना, मजलूमों पर कानून बताना और रुसुखा रखने वाले लोग, ऐसे क्रिमिनल लोगों के साथ रहम का काम करना और उनके साथ अच्छी बात करना, यही वजह है कि पुलिस का खौफ क्रिमिनलों से हटता जा रहा है और यही वजह है कि इस तरह के क्राइमों में इजाफे होते जा रहे हैं। बहरहाल, पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अब देखना है कि कितना जल्दी और कैसे इनको पकड़ेंगे। क्या ये प्लानिंग है सोची समझी, या फिर ये लोग पेशे से ही मुजरिम हैं जो इस तरह का काम किए हैं, अभी ये पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। तकी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। तो रात्रि श्रीलक्ष्मी वैस नेनु पार्टनर ने, ओनर कम पार्टनर ने, ईरोजु मा वाळ्ळु क्याशियर एवरैते उन्नारो प्रति रोजुलागा दुकान बंद चेसुकोनी क्याश तीसुकोनी लाक चेसुकोनी क्याश तीसुकोनी बयटिकि वच्ची वाळ्ळु मा योक्क मुग्गुरु व्यक्तुलु मा वर्कर्स मुग्गुरु क्याश तीसुकोनी बयलुदेरि 50 मीटर्ल बस स्टाण्ड 50 मीटर्ल दूरं बयलुदेरि मुंदुकु पोगाने इद्दरु गुर्तुतेलियनि व्यक्तुलु याक्टिवा मीद वच्चेसि మా మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర క్యాష్ ఉంటే క్యాష్ బ్యాగ్ గుంజుకొని పారిపోవడం జరిగింది। వాళ్ళని మా వాళ్ళు వెంబడించారు। అట్లాగే బాబానగర్ నుంచి ఆ పెట్రోల్ పంప్ పక్క గల్లీల నుంచి వెళ్లి ఆ ముందుకు పోయి అలాగే గల్లీల వెంబడిస్తే లాస్ట్ పోయి ఒక నాలా దగ్గర బండి పార్క్ చేసి ఆ నాలాలో దొరకడం జరిగింది। ఈ విషయం నాకు చెప్పగానే, నాకు కాల్ చేసి చెప్పగానే నేను సంతోష్ నగర్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి కాల్ చేయడం జరిగింది। వారు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి, ప్రతి సీసీ కెమెరాలు ఎంక్వైరీ చేసి, వాళ్ళ టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి, వారు 100% పట్టుకుంటారని మాకు నమ్మకం ఉంది। 100% మాకు పట్టుకొని, వా దొంగలను పట్టుకొని మాకు క్యాష్ ఇప్పేయగలరని మనవి చేస్తున్నాం రిపోర్ట్స్।